हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि ICEM CFD में हम मैचिंग कैसे करेंगे। अब तक हमने सिर्फ डिज़ाइन मॉड्यूलर और जो सिंपल मैचिंग का जो मॉड्यूल होता है वो यूज़ करके हमने मैचिंग कर दी, बट आज हम करेंगे ICEM CFD में मैचिंग, टेट्रा प्रिज्म मैचिंग। हमने टेट्रा मैचिंग करी है, एग्जा मैचिंग करी है, और इसमें हम करेंगे टेट्रा प्रिज्म मैचिंग। मैं अभी वर्क बेंच खोल लेता हूँ अपना। वर्क बेंच अभी मेरा लोड हो रहा है, तो मैं आपको जब तक बता देता हूँ कि हम कैसे करेंगे। दो तरीके, या तो मैं इसमें फ़ाइल इंपोर्ट कर सकता हूँ डिज़ाइन मॉड्यूलर की, पहले कोई फ़ाइल सेव हो रखी होगी उसे डायरेक्टली मैं इसमें इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर अभी मैं इसमें बना कर डायरेक्टली इसमें इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो इस वाले केस में अभी मैं फ़ाइल बनाऊँगा डिज़ाइन मॉड्यूलर में, एक रोड बनाऊँगा सिंपल पाइप, और उस फाइल को ज्योमेट्री फाइल को मैं ICEM CFD में इंपोर्ट करूँगा। ICEM CFD यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा। पहले मुझे ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी इसके लिए, तो ज्योमेट्री के लिए मैं यहाँ से ले लूँगा न्यू डिज़ाइन मॉडलर पे जाऊँगा। स्पेस के लिए भी बना सकते हैं, ज्योमेट्री हमने सीख लिया था कैसे बनानी होती है, जो आपको सही लगे आप उसमें बना सकते हैं। तो मैं स्केच बना लूंगा अभी एक्सट्रा प्लेन में, सर्कल ये रहा, इसका मैं डायमीटर रखूंगा आई गेस 10, ठीक है। मॉडलिंग पे जाऊंगा, स्केच पे क्लिक करूंगा, एक्सट्रूड कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा स्केच को, एंड इसकी लेंथ रखूंगा 100, जनरेट कर दूंगा। ठीक है, ये बन चुकी है, और इस फाइल को मैं सेव कर लूंगा। ये मैंने इसमें इंपोर्ट कर दिया है, देखिए इस पर सिर्फ ड्रैग कर दिया मैंने। ओपन और ICEM CFD, इसे ओपन होने दूंगा। डिजाइन मॉडलर की मुझे अब जरूरत नहीं है, तो मैं इसे यहां से कैंसिल कर दूंगा, अलाउ कर दूंगा ICEM CFD। ज्योमेट्री अभी इंपोर्ट हो रही है, अपडेट करा ज्योमेट्री को, ये थोड़ा टाइम लगेगा, होने दूंगा, कुछ चीज छेड़ूंगा नहीं मैं। शेडेड पे क्लिक करूंगा, आइसोमेट्रिक व्यू, ये मेरी फाइल इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले डिलीट कर दूंगा ये मटेरियल बॉडी, क्लिक करके ठीक है, डिलीट हो चुका है। क्रिएट पार्ट पे जाऊंगा, ये रहा क्रिएट पार्ट, यहाँ पे मैं इसका नाम रख दूंगा वाटर, मतलब जो इसके अंदर रहेगा। सबसे पहले मैं सरफेस पे जाऊंगा, सरफेस मुझे देखनी चाहिए, ठीक है, छोटा करूँगा। पैन करने के लिए यहाँ पे इस कंट्रोल दबा के जो माउस व्हील होती है उसे क्लिक करूँगा,
जूम इन जूम आउट के लिए स्क्रॉल व्हील यूज करूंगा, और 2 पॉइंट चाहिए यहाँ पे जाऊंगा, और एक पॉइंट डायगनली अपोजिट पॉइंट चूज कर लूंगा, हो गए, अप्लाई कर दूंगा, ये बीच में आ गया देखिए वॉटर, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करूंगा, मैं ज्योमेट्री पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, पार्ट बनाऊंगा, पहले पार्ट का बनाऊंगा इनलेट, ठीक है, और सरफेस सरफेस ले लूंगा। सरफेस चूज करने के लिए देखिए सारी चीजें मैं ऑफ कर दूंगा, सिर्फ इस पे क्लिक होना चाहिए, ये देखिए क्रॉस हो गए ना, तो ये सरफेस सेलेक्ट करूंगा, इस पे लेफ्ट क्लिक करूंगा, देन माउस व्हील के जो माउस व्हील है उसे क्लिक कर दूंगा, प्रेस कर दूंगा, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। न्यू पार्ट बनाऊंगा ऐसी वॉल, सिमिलरली सरफेस सरफेस पहले सेलेक्ट है, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा बाउंड्री पे इसकी सरफेस पे, और माउस व्हील दबा दूंगा, सिलेक्ट हो गया। सिमिलरली आउटलेट पे ये चूज करूंगा, फिर इस पे क्लिक करूंगा लेफ्ट क्लिक, फिर माउस व्हील प्रेस कर दूंगा, ये तीनों पार्ट बन चुके हैं मेरे, ठीक है। अब मुझे बनाना पड़ेगा कर्व्स के लिए, कर्व नाम रख दूंगा इसका, कर्व चूज करूंगा, अब सारी चीजें प्रेस बंद करके सिर्फ कर्व सिलेक्ट रहेगा मेरा, इस पे क्लिक करना सारे कर्व्स को चूज कर लेगा, अप्लाई, और ऐसे मैं पॉइंट्स का कर लूंगा, ये सारी कर्व्स पॉइंट्स इनलेट आउटलेट सरफेस ये सारी मिलके एक ज्योमेट्री बनती है। सिमिलरली अब मैं सिर्फ सारी चीजें बंद कर दूंगा, सिर्फ पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, ये पॉइंट्स के लिए है, ठीक है, और ये डबल क्रॉस जो बता रहा है, ये जो क्रॉस बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि ये सारी पॉइंट से रिलेटेड सारी चीज पहले सेलेक्ट कर लेगा जो भी इस बॉडी के अंदर है, तो मैं इसे क्लिक करके अप्लाई करके ओके कर दूंगा, तो ये पॉइंट्स का बन जाएगा सेट, ठीक है। अब मैं जाऊँ ग्लोबल मैसेज पे, ये रहा ग्लोबल मैसेज, मैस पे जाके, हाँ मैस एलिमेंट क्या होना चाहिए मेरा, मैस का एलिमेंट क्या होना चाहिए, तो वो डिसाइड करने के लिए सबसे पहले मैं देखूंगा इसका डायमीटर कितना है, टेन टेन के करीब था, मैंने याद है मैं बनाया था, ठीक है, तो अगर मैं जैसे मैंने इसका 10 रखा है डायमीटर, तो और जैसे मैंने एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट ला दिया वन वन मान लीजिए, ठीक है वन है, तो इसमें 10 एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है, ऐसी, तो ये डिविजन्स पे डिपेंड करेगा, तो मैं चाहता हूँ 0.5 का हो, 0.5 का हो तो कितने आ सकते हैं इसमें, 20, ठीक है, और अप्लाई कर दूंगा, और ग्लोबल सेटअप पे जाऊंगा वापिस, पार्ट मैश टाइप पे जाऊंगा, ठीक है, और इसका साइज डाल दूंगा 0.5, और इसका डाल दूंगा 0.25, 0.25, 0.25, अप्लाई कर दूंगा, और अगर मुझे देखना हो कि कैसा मैस बनेगा वो भी देख सकते हैं। ये देखिए ये एलिमेंट है हमारा, अब मैं इसे होने दूंगा, जनरेट ये इस पे जाऊंगा मैं, इस पे जाके कंप्यूट पे, और रोबस्ट कंप्यूट कर लूंगा डायरेक्ट,
होने दूंगा इस समय पूरा। अरे मैथ्स रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप। थोड़ा टाइम लिया था इसने। जब मैथ्स रेडी होएगा तो आपको क्या क्लिक करना है, ये ऐसे रहेगा तो आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, ये मैथ्स बन चुका है। मैं अभी आपको कट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, मैथ्स पे कट प्लेन यूज़ करेंगे, मैनेज कट प्लेन लेंगे, देन ये देखिए, ये तो उसका है सरफेस गाइस। मैं लूंगा इससे, कोफिशिएंट से नहीं, प्लेन से, जी जी प्लेन, ये देखिए। मैनेज पे गया, कट प्लेन यूज किया, मिडल एक्स प्लेन यूज करो। हाँ ये देख, ये देखिए कैसे एलिमेंट का मूवमेंट हो रही है। अब मैं फिट टू विंडो कर देता हूँ। ये सरफेस मैस है, तो ऐसे में अगर उस डायरेक्शन में लूंगा वाई में भी, तो ये रहा सरफेस, मतलब एक पूरा सेल बाउंड्री पे मैस बन चुका है। ठीक है।